Cheers. Cheers. वो हम म्यूजिक ऑन करके आए क्या? श्योर, अभी आते हैं. या प्लीज. मेरे साथ डांस करोगी? देखो, मेरी जनरेशन के लोग भी डेट पे डांस कर सकते हैं. और वैसे ही तुम ही कहती हो ना कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छा डांस करती हो. इनफैक्ट हमने तो डांस कंपटीशन भी जीता हुआ है. कम ऑन, गिव मी योर हैंड एंड डांस विद मी. क्या कह रहे थे कि आपने कहा था ना कि एक एक कदम आगे बढ़ाने से और कुछ वक्त देने से दो लोग और दो सिरे मिल सकते हैं. तो फिर क्या वक्त के साथ हमारी आदतें, हमारी पसंद और हम भी हमारा मतलब है कि हमारी कोई ऐसी आदत है क्या जो आपको पसंद हो? हम देखते हैं कुछ तो हुआ है. हम तेरे हो से गए हैं कुछ तुम ही मेरे हो से रहे हो कहना है जो कैसे कहे हम मेरी रजा तुम मैं देखता हूँ. ये शॉर्ट हो गया है. कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ. नीचे है एक.
सखी का गुस्सा कहीं उतरने से क्या फायदा दुर्गा बहू? अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, हमने सुना किशोर के साथ क्या हुआ। भाभी, लल्ला, लक्ष्मी तीनों को पहले से ही अपने काबू में करके रखा था उसने, और अब तुम्हारे पति किशोर को भी अपनी सोच बेच गई वो गुड्डन। तुम यहां सब्जियों पे अपना गुस्सा निकालती रहो और वो गुड्डन वहां तुम्हारे पति को तुम्हारा दोस्त बनाने की तैयारी करे बैठी है। तुम्हारी पूरी गृहस्थी अपने काबू में कर लेगी वो गुड्डन, और तुम यूं ही यहां खड़ी खड़ी सब्जियां काट रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ जी। दुर्गा दी की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डन की वजह से हुई है। आप लोगों को पता है वो गुड्डन एजे के साथ 9-2-11 हो चुकी है। जी हाँ, डेट पर गई है, और ये सारी अरेंजमेंट्स ना वो लक्ष्मी दी और दादी ने किया उन दोनों के लिए। खुशी का जश्न मनाना तो बनता ही है गुड्डन का, और क्यों ना मनाए, भले ही वो दुर्गा बहू को अपने काबू में ना कर पाई। किशोर तो उसके दोस्ती का राग गा रहा है ना दुर्गा बहू। दुर्गा बहू, अगर अभी नहीं संभाला तो ये घर तो तुम्हारे हाथ से छूटेगा ही छूटेगा, और साथ में अपने पति से भी हाथ धो बैठोगी। उस गुट्टन का क्रिया चरित्र समझो। पर थैंक्स टू गुड्डन जी, उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि एक पत्नी को एक पति से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है। सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है दुर्गा बहू। जिंदल साहब, तुम्हें चाहे जितना भी समझाऊं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? जब मैं तुम्हें सास मानती नहीं तो तुम्हारा क्या हक बनता है मेरी गृहस्थी में ऐसे दखल अंदाजी करने का? मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो तुम, ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? ये डेट वेट पे आई हो ना तुम, वो दादी और लक्ष्मी का किया धरा है। अपनी गृहस्थी संभालो पहले। मेरे और मेरे पति के निजी रिश्ते में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो दुर्गा जिंदल से बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्या कह रहे हैं दुर्गा? चुप, एकदम चुप। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई ना तुम्हें? लक्ष्मी का घर तोड़ नहीं पाई इसलिए अब मेरा रिश्ता दिखाई दे रहा है तुम्हें? लक्ष्मी का बदला मुझसे लोगी? गुड्डन, छोटे लोग ओहदे में चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनकी सोच हमेशा छोटी रहती है, और आज तुमने ये साबित कर दिया। बहुत बोल रही है दुर्गा जी। अब आप हद पार कर रही हैं अपनी। हद तो तुमने पार की है गुड्डन। दूर रहो मेरे पति से और मेरी परिवार से, वरना मैं दुर्गा जी। हो क्या गया है दुर्गा जी आपको? अपनी सास पर हाथ उठाने जा रही थी? ये कदम उठाने के लिए तुमने ही मजबूर किया है मुझे, मेरी गृहस्थी में टांग अड़ाकर। जब मैं तुम्हें अपनी सास मानती नहीं, वो दर्जा देती नहीं, तो तुम्हारा क्या हक बनता है? दुर्गा जी,
तुम्हारा इस घर पे, इस परिवार पे और इस परिवार के लोगों पर, और यहाँ तक कि आप पर और किशोर जी के रिश्ते पर। जानती है क्यों दुर्गा जी? क्योंकि हम इस घर की सास हैं, इस घर की बहू हैं, हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं। और इन सब रिश्तों के नाते हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी है कि हम इस परिवार के लोगों को जोड़े रखें। और आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा दुर्गा जी। और भले ही आप ये नहीं मानती है कि हम आपकी सास हैं, आप इतना तो मानती है ना कि हम जिंदल साहब की पत्नी हैं। आपने उस रिश्ते की भी इज्जत नहीं रखी कि आप अपनी मान मर्यादा को भूलकर हम पर हाथ उठाने चली थी। बुआ जी, बहुत दुख हुआ ये देखकर कि ये जो दुर्गा जी हमारे सामने खड़ी है ना, ये वो दुर्गा जी है ही नहीं जिन्हें हम जानते थे। क्योंकि वो दुर्गा जी तो घर और परिवार की खुशी के लिए हमेशा जान तक लुटाने को तैयार रहती थी। उन दुर्गा जी से हमने रिश्तों की इज्जत करना, उनकी मर्यादाओं को समझना सीखा था। मगर आज जो दुर्गा जी हमारे सामने खड़ी हैं, वो तो खुद ही ये सब भूल चुकी हैं। शायद आपकी शक्ति की सोच में खुद को कुछ ज्यादा ही ढाल चुकी हैं बुआ जी। रुको, यही सोच सिखाती है ना तू गुड्डन? जरूरी नहीं बहू सास के पैर छुए, सास बहू दोनों दोस्त बन कर रहे। और तो और आजकल ये तो होता है ना, गले लगना बहुत जरूरी है ना? यही सोच है ना तेरी? यही सोच है ना तेरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई दुर्गा बहू के बर्ताव पे हमें इल्जाम लगाने की? क्या गलत कहा दुर्गा बहू ने? जब वो तुझे अपनी सास मानती ही नहीं तो तुझे कोई हक नहीं बनता उनके निजी रिश्ते में दखल अंदाजी करने का। क्या फर्ज निभाया है आज तक तूने सास बनने का? अरे अपनी दोस्ती वाली सोच जिसका ढिंडोरा पीटते हुए तू थकती नहीं गुड्डन, उसका हक अदा करना भी तुमसे ना हो पाया क्या? दुर्गा बहू को दोस्त बना पाई तू? ये तेरी जो उम्र है ना, उसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा है हमें। हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। झूठ पकड़ना, सच सामने लाना, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से जानती है ये शांति देवी। लेकिन एक काम तूने बहुत अच्छा किया, थोड़े समय के लिए सही, लेकिन हमारी शक्ति वाली सोच अपनाई। यही शक्ति, यही अनुशासन जो आज तूने दुर्गा को दिखाया, वही पहले दिखाती तो ये नौबत तेरे पे कभी नहीं आती। अरे तेरी बहू तुझ पे हाथ उठाना तो दूर, सोचने से भी डरती। तेरी वजह से आई ये नौबत,
इसके जिम्मेदार सिर्फ तू और तू है गुड्डन। आज तक हमने सिर्फ सुना था सास बहू पे हाथ उठाती है, मगर यहाँ तो इंडिया की सबसे छोटी सास की बहू उस पे हाथ उठाने चली थी। सासों का नाक कटवा दिया है तूने, अब जो बोया है उसे काट और भुगत। अगली बार इल्जाम लगाने से पहले ये जो तेरा तेज दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल जरूर करना। दुर्गा बहू, तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी मुझे। अगर तेरे मन में थोड़ी सी भी शर्म या थोड़ी सी भी इज्जत बाकी बची है ना रिश्ते के लिए, तो जाकर गुड्डन से माफी मांग। माफी मांग इस अनर्थ के लिए, समझी? चल लक्ष्मी। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे, जला देंगे, मार देंगे, बता रहे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे तेरा। भाभी, आपकी बहू बड़बड़ा क्या रही है? गुड्डा, दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, गुड्डा, दूर। कोई तो कुछ करो। माँ, क्या हुआ? बेटा, गुड्डन, 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 मैंने कहा दरवाजा खोलो। बता रहे हमारा गुस्सा को वो अधिकार को तो तूने तू है। गुड्डन, गुड्डन, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है? गुड्डन देखो, मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर मत करो। पीछे, पीछे, बता नहीं, मार देंगे, मार देंगे तुम। गुड्डन, गुड्डन, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं दरवाजा तोड़ देता हूं। गुड्डन को क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों निकली? अभी छत पे तो ठीक थी। कॉकरोच। गुड्डन, दूर है यहाँ पर हमसे, दूर है यहाँ। मैं अभी किसी से बात नहीं करनी है। गुस्सा कि अपने दोस्त से बात भी नहीं करो। हमें अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, आपको समझ में आ रहा है? आप हमसे दूर रहिए। गुड्डन देखो, मैं नीचे ये एक्सटेंशन लेने गया था। अगर मुझे पता था कि ये सब इस तरह होने वाला है। आप मत बोलिए ना, हमारे किसी से बात करने का मन नहीं है। और अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आप आगे आए ना तो हम बता रहे हैं कुछ ना कुछ करने का, वरना
वरना क्या? मुझे मारोगी? वो लड़की जो कॉकरोच देखकर किचन के स्लैब पे चढ़ जाती है वो मुझे मारेगी। जानना चाहती थी ना कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या क्या पसंद है। तुम्हारा यूं हवा में धमकी देना मुझे पसंद है कि जब गुस्से में तुम्हारी ये नाक लाल हो जाती है ना, और रोते वक्त जब यही नाक बहती है और मेरा रुमाल खराब करती है, ये भी पसंद है। तुम्हारी हर हंसी में तुम्हारा साफ मन झलकता है। हर बार उसे इस तरह जीती हो जैसे पहली बार महसूस कर रही। तुम्हारी ये आदत भी मुझे बहुत पसंद है। दिखने में कमजोर लगती होगी लेकिन तुम्हारी मन की सच्चाई में जो ताकत है कि बहुओं को सही गलत का फर्क समझा देती हो। तुम्हारी ये सच्चाई और तुम्हारी ताकत मुझे पसंद है। लोगों में लाख बुराइयां हो बुटन, लेकिन तुम उनमें एक अच्छाई ढूंढ ही लेती हो और उन्हें उस अच्छाई का एहसास दिलाना, ये भी पसंद है। बताओ, और जानना चाहती हो कि मुझे अपनी दोस्त में क्या क्या पसंद है? हमें भी हमारा ये दोस्त बहुत पसंद है जो हमें इतने अच्छे से समझता है। कुछ तुम करी